ठाकरे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विवेकानंद, छत्रपति शाहू, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो हिंदू धर्म के बारे में कहा है मालूम नहीं आपको? परिषद के बारे में जो भी एल्गार परिषद की बदनामी करने का प्रयास मनुवादी लोग कर रहे हैं उनको मेरा आह्वान है, यदि आप सही मायने में हिंदू के कल्याण करता है, अरे 3 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है वो तो हिंदू है ना सब, अभी लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उनसे 2,200 किसानों ने मर चुके हैं वो भी हिंदू है ना। हर दिन भारत में 3,000 बालक मरते हैं वो भी सब हिंदू है ना। मोदी ने अभी हमारा, तुम कहते हैं हिंदू राष्ट्र है ना, तो मोदी ने हमारे सब हिंदुओं की सब प्रॉपर्टी बेची है, पब्लिक सेक्टर बेचा है, रिजर्व बैंक बेची है, LIC बेची है, तो हिंदू गए ना, तुम क्या करते उनके कल्याण के लिए? यदि तुम इतने हिंदुओं के बाजू में है, वो जो लड़का उस्मानिया बोला उसकी गलती हो गई, वो गलती से एक लफ्ज बोल दिया, जहां उसने मनुवादी कहना था उसने हिंदू कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू की व्याख्या की है, हिंदू धर्म की व्याख्या की है। प्रबोधन का ठाकरे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विवेकानंद, छत्रपति शाहू, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो हिंदू धर्म के बारे में कहा है मालूम नहीं आपको? प्रबोधन का ठाकरे कहते हैं कि हिंदू धर्म तो एक शौचकूप है। विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया में सबसे गरीबों की गर्दन काटने वाला एकमेव धर्म है हिंदू। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। तो आप कौन सी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? क्यों हम का एल्गार परिषद को बदनाम कर रहे हैं? यदि आपको मैं आह्वान देता हूं, यदि आप हिंदू धर्म पे या हिंदू शब्द पर चर्चा करना चाहते हैं तो तुम्हारा गोदी मीडिया पे कई चर्चा रखो, लेकिन सिर्फ शंकराचार्य और कई ब्राह्मण भागवत नहीं तो फडणवीस से मैं चर्चा करने को तैयार हूं। और मैं आपको आह्वान करता हूं कि ये जो हमारे महापुरुष है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी क्या आपने? उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो ये सब वीडियो में, इंटरव्यू में मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं NDTV के आभार मानता हूं कि NDTV ही उसका भाषण, सब भाषण पढ़ के उसके ऊपर परीक्षण कर सकता है, लोगों को बोल सकता है। मुझे NDTV पर फक्र है। मैं आपसे विनती करता हूं कि ये जो कुछ एल्गार परिषद के बारे में किया है ये तो उनको मुझे मारना है, मुझे प्रोसिक्यूट करना है और मुझे हमेशा के लिए मेरा मुंह बंद करना है, क्योंकि मैं मनुवाद और मनीवाद के खिलाफ आखिरी श्वास तक लड़ने वाला हूं। इसलिए हर साल एल्गार परिषद लेते आया हूं और लेने वाला हूं। तुम कितनी भी बदनामी करो, तुम कितना भी झूठ बोलो, हम हमारा काम करते रहेंगे। जय भारत।